स्वागत आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में, और आज हम लेके आए 20 मूवी के किड सीन का रिएक्शन। एंड ये जो सीन है, लेकिन वो नाम सुन के सर लोग क्या किड सीन क्या हो सकता है, लेकिन अब वही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज एक बहुत मास सीन है एंड बहुत कमाल का सीन है। अभी तक की जो मूवी थी तेरे कैसी लग रही है अभी तक? लाइक इंट्रो ही देखा है, इंट्रो काफी अनएक्सपेक्टेड था मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उसी में एक अलग टाइप की फाइट दिखा दी गई थी। और वो किड सीन जो आप बोल रहे हो, वो मैं थोड़ा आइडिया ऐसे लगा सकती हूँ कि जो फर्स्ट सीन इंट्रो सीन में जो लाइक वो किड की डेथ हो गई थी, तो आई गेस वो इनसे बहुत जुड़ी हुई थी, बच्ची विजय जी दोनों बहुत जुड़े हुए थे, है ना? तो आई गेस उसी का कुछ रिलेटेबल सीन होगा, तो वही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बाकी देखते हैं आगे, पता चलेगा देखेंगे तो भाई। और कहीं ना कहीं देखे तो पूरी मूवी में हम देख रहे हैं किड्स के रिलेटेड भी उनका कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, उनको नहीं पसंद है। सो फिर देखते हैं क्या होता है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये तो हम तो सोलिट भैया यहां क्या पर है ऊपर से இந்த நேரத்துல ஒண்ணுக்கு போறீங்க? உங்களுக்கு வராம இருக்கலாம், எனக்கு வருது சார், போயிட்டு வந்து சொல்றேன். எதை கேட்டாலும் இடாமடமாவே ஒரு பதில். சப் ஃபசேவே இன்ன ரோனே की आवाज आ रही है ना बच्चे की। ஏதோ குழந்தை அழுகிற மாதிரி சவுண்டு கேக்குதுல்ல, உனக்கு கேக்குது? ஏதோ கொஞ்சமா கேக்குது. எலெக்ஷன் டைம்ல இப்படி ஒன்னு நடந்தது கவர்மெண்ட் கேவல பெரிய பிரச்சனை இருக்கு தெரியுமா? சும்மா பேசிட்டு தான் இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம், என்னதான் ஐயா பண்ண போறீங்க? வீராக்கு ஃபுல் பவர் கொடுத்துடலாம் சார், யோசிச்சு பாருங்க. அதெல்லாம் இப்ப யோசிக்க முடியாதியா? உமர் ஃபருக்கை வெளியே விட்டே ஆகணும், அதுக்கான வழியை பாரு சார். திருப்பி எப்ப போய் பிடிக்கிறது? அவன் வெளியே வந்தா டேமேஜ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் சார். மக்களோட உயிரை காப்பாத்தணுமையா? நம்மளால பண்ண முடியாத எந்த விஷயத்தையும் உள்ள இருக்கிற அவன் பண்ணுவான்ற நம்பிக்கை எனக்கு கிடையாது. ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல, வெளியே போவேனானு பிரெயின் சொல்லுது. பிரெயின் சொல்லுது இல்ல, அதான் சரி, ஆனா மனசு கேட்க மாட்டேங்குது. இல்ல வீரா, அப்படியே இங்கேயே இருந்துடலாம் ப்ளீஸ். இல்லை நானும் அதான் நினச்சேன், அந்த குழந்தை அழுகிறது ஒரு மாதிரி சைக் ஆகுது. நோ ப்ளீஸ். இல்லை ஓகே வேணாம், கரெக்டு. जाएंगे ऑफ कोर्स, वो बाहर तो जाएंगे, ये तो देखा ही है ट्रेलर में, वो डील करते हैं सबसे। वो समझ गया, इन्हें कुत्ते एक कत्ती வச்சிருந்தா நைஃப் வாங்கிடுச்சு. உன தண்டா இருக்கா? குடு பயப்படாத, குடுறா, ஒண்ணு பண்ண மாட்டேன், குடு. बच्चे को परेशान कर रहे हो, अब तो जाएंगे फॉर फॉर। कैसे तो कामली एंट्री है, बड़ा डैशिंग लग रहा है। देखा था ना, पूरा ट्रेलर वाला ही हुआ। कैसे जा रहे हैं चल रहे, जा नहीं रहे। में आ रहे हैं
क्या गया बात सर? लाइक वो उनपे सवाल उठा रहा था ना, ये नहीं कर पाएगा। वो दिख रहे हैं जोरदार। இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஒரு டெரரிஸ்டோட தலை மட்டும் மாலை உடச்சு வெளியே வந்து கீழே இப்படி பக்கத்தில் நிற்கும்னு எதிர்பார்த்தீங்களா சார்? பார்த்தீங்கல்ல, வெளில நம்ம இத்தனை பேர் இருக்கிறதோட உள்ள அவன் ஒருத்தருந்தாலே நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு சார். நான் தான் சொல்கிறோம்ல, இஸ் அ ஃபக்கிங் பீஸ்ட். பேசாமல் நான் சொல்கிறத கேளுங்க, இல்லை நான் மாதவ் சார்ட்டே பேசுகிறேன். ये पूरा सीन काफी नोन लग रहा था, बिकॉज ये काफी ज्यादा इसमें से ट्रेलर में दिखाया गया था, ये इनकी वॉक, फिर वो जो पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग बजता है वो, एंड फिर वो जो वो कपड़ा फाड़ के ये बाहर आता है ना, वो पूरा ट्रेलर में हमने देखा हुआ था। और जब उन्होंने आके ऐसे वो जिस तरीके से शूट करते ना, मेरे को इनके शॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक डायरेक्टर की भी तारीफ करनी पड़ती है, लाइक वो कैसे शूट किया कि वो जब मारने जा रहे थे तो वो टेररिस्ट की आईज दिखाई और फिर सीधा बाहर वाला सीन दिखाया कि उसका सिर उड़ के बाहर आ गया। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या उड़ के आया, मेरे को लगा वो पूरा टेररिस्ट बाहर उड़ के आ गया होगा या कुछ तो भी, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पूरा सिर ही अलग होके ऐसे बाहर जंप करेगा। और वो जो बाहर जो दोनों बात कर रहे थे मिनिस्टर, वो भी ऑफ कोर्स मिला हुआ है, तो उनकी कॉन्वर्सेशन भी काफ़ी सही थी कि अब क्या लगता है टेररिस्ट का फेस बाहर आएगा। तो काफ़ी अच्छा शॉर्ट सीन था, बट मजेदार सीन था, और अब और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया आगे वाले सीन्स देखने के लिए, क्योंकि फुल और मास सीन था जिस तरीके से पूरा दिखाया गया था। हम थिएटर में देखते हूट करने का मन किया था जिस मोमेंट पे, बिकॉज वो एंट्री से लेके हाँ, बहुत एंट्री बहुत जोरदार थी ना, बहुत ज्यादा क्लासी था। लाइक वो एकदम से वो ये सीन जो है ना, ये बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था कि लाइक वो नाइफ मार के एकदम से ऐसे खोलना अपने आप को, वो बहुत ही क्रिएटिव था। एंड जिस तरीके से वो बाहर आते हैं करते हैं, हमारे को ये पूरा जो है ट्रेलर में दिखाया गया था, लेकिन जो मेन पार्ट है ना कि किस लिए किया जा रहा है वो नहीं दिखाया गया था, वो अब हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे पहली बार बीच जो है वो बाहर आया है, अभी तक वो छुपे हुए थे, वेट कर रहे थे, देख रहे थे, अब वो बाहर आए हैं। तो मेरे ख्याल से यही है कि बच्चे ही इनको प्रोपेल करेंगे मूवी में, ऐसा लग रहा था। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। वही मतलब जब उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आई ना, तब वो ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, बट तभी समझ आ गया था कि ये जाएंगे ही बाहर, बिकॉज ऑफ कोर्स वही मूवी है और बच्चे के रोने की आवाज सुन के ऑब्वियसली वो नहीं रुक सकते थे, तो वो तो पता ही था कि बाहर तो जाएंगे ही। और फिर एंट्री जो हुई वो तो उनकी जोरदार थी ही, तब देखते हैं आगे वाले सीन्स में। वही फिर आगे वाले सीन्स में देखेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाइए। बाय।